सुबह का मौसम कुछ ऐसा था, फॉगी डे था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब सर्दियाँ आ रही हैं धीरे धीरे और सर्दियों का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ कि सर्दियों का मौसम आ रहा है। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल जुड़ी ब्यूटी टाइम। कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल सही हूँ और बच्चों को स्कूल के भेजने के बाद जल्दी जल्दी करके सारे काम निपटा रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं चाहती हूँ मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ सारे काम निपटा के, क्योंकि मुझे बच्चों को टाइम देना होता है ना। तो आधी जब स्कूल से आ गया तो मैं उसके बैग में ये देख रही थी कि उसने लंच सारा फिनिश किया कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वो लंच अपना वापस लेके आ जाता है घर। और दशहरे की छुट्टी में उसे चार्ट पेपर और A4 शीट बनाने के लिए मिले थे, जिसमें मैंने उसकी हेल्प की थी बनाने के लिए। तो मैं ये देख रही थी कि वो स्कूल से वैसे वापस लेके आ गया, उसने सबमिट नहीं किया स्कूल में। तो मैंने पूछा आदि ऐसा इसको वापस क्यों लेके आए? आदि ने चार्ट पेपर नहीं दिखाया क्या अपने स्कूल में? कौन जी यहाँ गरिमा मैम नहीं आई थी इसलिए। कौन जी आओ, जल्दी आओ ना। गरिमा मैम नहीं आई इसलिए साइन करने चेक पूछ लेते हैं ना। मेरा यह मानना है कि फेस्टिवल का अगर छुट्टी मिल रहा है बच्चों को तो होमवर्क उसमें बच्चों को कम देना चाहिए, क्योंकि जब होमवर्क का बर्डन रहेगा तो बच्चे क्या ही फेस्टिवल को एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब फेस्टिवल के लिए आप छुट्टी दे रहे हो तो होमवर्क कम देना चाहिए, होमवर्क भी बच्चे करें और बच्चे फेस्टिवल भी इंजॉय कर लें, है ना। तो आदि के साथ मैंने ये चार्ट पेपर बनाने में मैंने भी उसकी बहुत हेल्प की थी, तो मुझे ये लगा कि भाई क्यों नहीं सबमिट हुआ। तो इसे बताया कि उसकी मैम नहीं आई थी स्कूल में इससे सबमिट नहीं हो पाया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल लेके जाना और फिर सबमिट कर देना उसको। और फिर मैंने उसे बोला कि चल के पढ़ाई कर लो, अपनी होमवर्क कंप्लीट कर लो, तो ड्राइंग लेके बैठेगा, क्योंकि ड्राइंग का होमवर्क जो मिलता है ना ये सबसे पहले उसी होमवर्क को करता है, ड्राइंग के होमवर्क को ड्राइंग बना लेता है। ड्राइंग बनाने का उसको बहुत शौक है और अच्छा भी बनाता है। फिर मैंने उसको डाटा, मैंने कहा चल के होमवर्क कर लो। तो होमवर्क जब इसको करना होता है ना बहुत सारे एक्सक्यूज देता है, बहुत सारे बहाने बनाता है। अभी होमवर्क डांट लगा के मैंने इसको होमवर्क करने के लिए बिठाया था, अभी होमवर्क कर ही रहा था फिर बारिश होने लगी, तो मुझे कह रहा मम्मा चलो बारिश में, मम्मा चलो बारिश में छत पे चलते हैं। आदि तो बारिश में खेल रहा है। भीग जाओगे, आ जाओ बीमार पड़ जाओगे। चलो आ जाओ, क्या कर रहे हो वहाँ पर? भीग जाओगे बारिश में, नुकसान करेगा ना। अच्छा नहीं, मैं नहीं आऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।